सर डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आती है, लेकिन ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया हर डिफ़िकल्टी से लड़ने के लिए। तो हमें चाहे कैसा भी मौसम हो, हमें बताया गया है हर इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी कठिनाई है, हमें सबसे लड़ना सिखा रखा है ट्रेनिंग में, हमें बता रखा है। हमें कोई मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी जैसे हमें शरबत नींबू पानी वगैरह बॉर्डर पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, फैसिलिटीज़ हमें लगातार दी जा रही है। साथ में यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, फिर पेट्रोलिंग हो गई, फिर माउंट पे है गेट मैनेजमेंट, यहाँ सब कराया जा रहा है। गर्मी हो रही है, धूप बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है पानी की कमी हो सकती है। इतनी धूप में आप भी चलेंगे, आप भी देख रहे हैं, तो उस हिसाब से जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोताही नहीं बरती जा रही है। देखिए अब जो भी आपने देखा ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन, वो बेसिक मतलब यहाँ के क्राइम्स हैं, वो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके उसको मतलब टैकल करने के लिए बेसिक गाइडलाइन सभी को है, ईच एंड एवरी ट्रूप्स को है, और वो अपना काम बखूबी निभाते हैं और करते भी हैं। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। हाँ हाँ वो बिल्कुल, देखिए ये हमारा मेन टास्क है, प्राइमरी टास्क है, और ये पेट्रोलिंग या हमारा जो माउंट ड्यूटी है वो परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो हम उसको एडिशनली करते हैं, एडिशनली अलर्टनेस थोड़ा आ जाती है, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है पैटर्न जो है वो यही है, वो चेंज नहीं होता, मतलब इजीली परमानेंटली जो है वो यही रहता है, ताकि कुछ भी इंसिडेंट वगैरह हो तो उसको हम इजीली टैकल कर सकें। पूरी तरह से अलर्ट है, बिल्कुल पूरा अलर्ट है। ये आगे थोड़ा थोड़ा सा जल्दी चलो, थोड़ा सा कदम। हाँ लॉन्चिंग पैड है, वहां पर इस समय आतंकी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ बारामूला के दूसरी तरफ जो ख्वाजा बंदी जगह है।